थैंक यू वेरी मच मैडम। पहली बात तो यह है कि वुमेंस डे के सिलसिले में ये प्रोग्राम है और आप माशाल्लाह इसमें की मशहूर ख़वातीन इंजीनियर्स में आपका शुमार होता है। आप जैसे बता रही थी कि कोई दौर था कि 5 वुमेन इंजीनियर्स होती थी एनईडी में, आप जो सुन रहे थे कि 42% इस बड़ा बड़ा चेंज है, बट स्टिल क्या समझती हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज क्या है वुमेन इंजीनियर्स के लिए? देखिए, सिर्फ वुमेन इंजीनियर्स की बात नहीं है, वुमेन वर्किंग वुमेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दे हैव टू बी ट्वाइस इनपुट उनका होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल। ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज को होल्ड करना है और उस पर मेहनत करनी है। सो दे हैव टू वर्क ट्वाइस एज मच एज दैट मेन कोलीग्स बिकॉज दे हैव अ गुड नेटवर्क एंड दे मीट लॉट। वो वापस आके अपने घर के कामों में मसरूफ हो जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। अच्छा, एनईडी में भी जब बात होती है तो वहाँ पे भी ये बड़ा कंसर्न होता है कि वुमेन इंजीनियर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दे आर ग्रोइंग व्हाइल दे आर अंडर ग्रेजुएट्स, बट वी डोंट सी देम इन द फील्ड, दे आर नॉट इन द प्रोफेशनल फील्ड, व्हाई इज दैट सो? देखिए, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी उनकी इफेक्टिव जो उनका रोल माशरे में लाने के लिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं जो जो एक नॉर्मल रोल्स होते हैं उनमें उनको हम इंडक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उनकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है और फिर हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो इंगेज रहते प्रोफेशन से। तो सारी दुनिया में यह है कि व्हेन दे बिकम मदर्स दे आर अलाउड टू गो फॉर अ पार्ट टाइम सडन सिचुएशन वंस इन अ वीक जस्ट टू बी कनेक्टेड। कनेक्शन रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की फॉर इंस्टेंस आई स्टार्टेड वर्किंग इन रिफाइनरी एंड रिफाइनरी वॉज टोटली अ मेल डोमिनेटेड। आई वॉज द फर्स्ट वुमेन इंजीनियर टू जॉइन देयर और मुझे मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब जो है वो कहते हैं हम कैसे आपको रिफाइनरी भेजें। तो डिसएडवांटेज में भी एडवांटेज आई और वो एडवांटेज ये आई कि चेयरमैन ऑफ द कंपनी ने मेरा चेयरमैन जो थे ही इंक्लूडेड मी इन हिज टीम। तो उस वक्त नेगोशिएशन हो रही थी नई रिफाइनरी की, सो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एंड दैट हेल्प मी गिविंग आउट ब्रॉडर, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो जाके आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में होते थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप रही हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की चेयरमैन रही है माशाल्लाह, और एक खातून का चेयरमैन होना हमारे जैसी सोसाइटी में बड़ी बात है। चेयरमैन है तो चेयरमैन ही होता है। हाँ, लेकिन इस वक्त की जो काउंसिल है उसकी परफॉर्मेंस के सिलसिले में इस वक्त जो काउंसिल की लीडरशिप है, प्रीटी गुड। देखिए, इंजीनियरिंग काउंसिल में जो कुछ भी इनिशिएटिव हमने लिए, मैं अपने टेन्योर की बात करूँगी विच एंडेड इन 2010, उस वो सारे इनिशिएटिव कंटिन्यू किए हर चेयरमैन ने आगे, और इस वजह से आज हम वाशिंगटन एकॉर्ड के मेंबर हैं, हम इंजीनियर्स मोबिलिटी फोरम के मेंबर हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड हैं वर्ल्ड वाइड। मेजर 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 जो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम रजिस्टर्ड हैं। एंड ये नहीं था कि हमसे रजिस्ट्रेशन हुआ था, हमारा लेवल ऑफ एकेडमिक जो था सारा सिलसिला वो सब रिवाइज हुआ, बहुत मेहनत की है सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारी इंजीनियरिंग काउंसिल के जो कनेक्टेड लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, अब दे रियली वर्क्ड आउट। सो बेस्ट थिंग इज हम इस वक्त पाकिस्तान में जो पीछे चल रहे हैं इसलिए कि हम कंटिन्यू नहीं करते, हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसीज नहीं है। सो इन इंजीनियरिंग काउंसिल हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने अब इस वक्त हमारा लीडरशिप रोल है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, बहुत से मुल्क हमें इंजीनियरिंग काउंसिल पाकिस्तान को बुला के उनसे कहते हैं हमें हेल्प आउट करें। अभी भी हमारे समरीन हुसैन गई एक और मुल्क में जहाँ की वो ऑब्जर्वर थे। सो आई थिंक दीज आर गुड थिंग्स हैपनिंग। थैंक यू सो मच।